खबर जनपद पौड़ी से है, जहां विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा छापेमार की गई और यहां से लिए गए खाद्य पदार्थों के सैंपल पर न्याय निर्णायक अधिकारी की अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए 11 खाद्य कारोबारियों पर 6,53,000 का अर्थदंड लगाया है। इस दौरान जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजब सिंह रावत ने बताया कि मिथ्या छाप अधोमानक खाद्य पदार्थ की बिक्री समेत बिना लाइसेंस खाद्य पदार्थों की बिक्री और स्वच्छता मानकों का पालन न करने पर यह कार्रवाई की गई है। पौड़ी से मुकेश बचेती की रिपोर्ट। 11 वादे जो कि विभाग द्वारा माननीय न्याय निर्णय अधिकारी के न्यायालय में दर्ज किए गए थे, उन वादों में माननीय न्याय निर्णय अधिकारी महोदया द्वारा निर्णय दिए गए हैं। कुल 11 वादों में 6,53,000 का अर्थदंड अधिरूपित किया गया है। संबंधित खाद्य कारोबारों के विरुद्ध, खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरुद्ध हमने वाद इसलिए दर्ज किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा समय समय पर खाद्य प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों की जांच के लिए नमूने लिए गए थे। खाद्य विश्लेषक द्वारा उन खाद्य नमूनों की परीक्षण रिपोर्ट मिस ब्रांड और सब स्टैंडर्ड घोषित किया गया था। तत्पश्चात खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा ने इन मामलों का वाद दायर किया था माननीय एडीएम न्यायालय में और उसी वाद का निस्तारण के लिए माननीय न्याय अधिकारी महोदया द्वारा अपने निर्णय दिया गया है, जिसमें कि कुल संबंधित खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरुद्ध 6,53,000 रुपये का अर्थदंड अधिरूपित किया गया है और सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को निर्णय की प्रति प्रेषित कर दी गई है और उसमें निर्णय की प्रति प्राप्त करने के 15 दिन के भीतर उनके द्वारा वो माननीय न्याय निर्णय अधिकारी के न्यायालय में चेक के माध्यम से या ड्राफ्ट के माध्यम से या चालान ई चालान के माध्यम से जमा करेंगे और यदि वो निर्धारित समय के भीतर जमा नहीं करेंगे तो भू राजस्व के भांति संबंधित खाद्य कारोबारकर्ताओं से वसूल की जाएगी।